ये हनुमान जयंती पर धारा 144, ये सालासर धाम में राम दरबार को तोड़ना, ये सालासर के अंदर और दूसरी जगह पर यात्रा करते हैं तो डीजे कहीं बज गया तो उसको जब्त करना, ये हनुमान जी की फौज आज मेरे सामने बैठी दिखाई दे रही है, ये राम जी की फौज दिखाई दे रही है। इस कांग्रेसी लंका को बोलो आग लगाओगे कि नहीं लगाओगे, लगाओगे कि नहीं लगाओगे, तो फिर मेरे साथ एक नारा लगाओ। मैं कहूंगा इस सड़ी गली सरकार को आप कहना एक धक्का और दो, इस सड़ी गली सरकार को, एक धक्का और दो, इस सड़ी गली सरकार को, एक धक्का और दो, बिजली पानी दे न सके, बिजली पानी दे न सके, जो सरकार निकम्मी है, अरे मुख्यमंत्री जी जरा आके देखो तो सही, कोई चमचा खड़ा हो तो यहीं से देखे मंच से, ये विराट सभा क्या कहती है, ये कहानी इस भीड़ की जुबानी क्या कहती है, और ये समय का चक्कर चलेगा। इस राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 156 नहीं मुख्यमंत्री जी, ये मिशन 156 नहीं, ये मिशन 15 कर लेना। सर भाजपा द्वारा परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, उनकी यात्रा फ्लॉप हो रही है, भाजपा की यात्रा फ्लॉप हो रही है, लोग जान नहीं रहे, वो खुद समझ रहे हैं, वो यात्रा फ्लॉप आगे भी होगी नहीं, क्योंकि इन्होंने 4 साल में कुछ किया नहीं, 4.5 साल तक, अब हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं लोग, उनमें कोई दम नहीं है, जनता से समझती है। हमने जो प्रोग्राम दिए हैं, मैं कह सकूँ दावे के साथ, मैं राजस्थान पहली बार देश के अंदर अन्य राज्यों के अंदर भी केंद्र में चर्चा में आ गया, प्रदेश खुद आ गया है। तो आप बता रहे हैं कि अजीत पवार के साथ इस तरह किया गया, क्या राजस्थान में इस तरह की आशंका है आपकी बीजेपी में करती है? राजस्थान में तो कर चुके हैं, चुनाव नजदीक, कर्नाटक के अंदर भी, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र की सरकार ने गिरा दी, राजस्थान की दाल गली नहीं, राजस्थान में इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, जो कुछ करना था कर लिया, हॉस्टेडी करने की कोशिश कर ली, सब कुछ किया, बाद में भी ये लोग सरकार गिरा नहीं पाए, उन्हीं की इनको दिल में आग लगी हुई है, इसलिए वो चाहते हैं राजस्थान सरकार हमारी कैसे बने।